जी हाँ दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 40, 41 और 42 पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 40 क्या है, ये समाज कल्याण से संबंधित है और 41 और 42 सामाजिक सुरक्षा से संबंधित है। नमस्कार दोस्तों, आइए इस लेक्चर में हम बात करते हैं आर्टिकल 40 पे। तो यहाँ पे ग्राम पंचायतों का संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ग्राम पंचायतों का संगठन ये जो है पॉइंट आर्टिकल 40 जो है कितनी बार एग्जाम में पूछ चुका है दोस्तों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डीपीएसपी का, ठीक है। तो ग्राम या तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है ग्राम पंचायतों का जो है संगठन किस अनुच्छेद में दिया गया है, या ये पूछ लेता है कि आर्टिकल 40 में है क्या, ठीक है, ऑप्शन बना देगा। तो अब यहां पे हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 40 जो है किससे संबंधित है। तो दोस्तों आप अगर देखेंगे तो संविधान में 73वां और 74वां जो है संविधान संशोधन जो 1992 में एक आप देखेंगे तो भाग जो है संविधान का 9 है और 1 9 का है यानी कि 9 और 9 जो है 1, ये जो है 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन ग्राम पंचायत से संबंधित है और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है। दोस्तों इस पॉइंट को एकदम से कंठस्थ कर लीजिएगा, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो संविधान का जो है भाग 9 और भाग 9 का इसी अनुच्छेद से जो है रिलेट करता है दोस्तों। तो अब आइए देखते हैं राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक। तो दोस्तों आशा करते हैं यहां देखिए स्वायत्त शासन की इकाइयों यानी कि ये ग्राम पंचायतों का जो है संगठन इस तरीके से इनका जो है शासन इस तरीके से स्वायत्त होना चाहिए कि ये जो है ग्राम विकास के लिए जो है कार्य जो है कर सके। आप जानते हैं इनके लिए जो है पैसे का जो है प्रावधान जो है वित्त आयोग जो गठित होता है वो जो है संशोधित करके जो है इनको जो है पैसे का आवंटन जो है करता है राज्य द्वारा और केंद्र द्वारा, ठीक है दोस्तों। आर्टिकल 40 याद रखिएगा। अब हम इसके बाद जो है आर्टिकल जो है पहुंचते हैं 41 पे। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है देखने के लिए आप इससे संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित आप हमारे जो है चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जो है जाके देख सकते हैं और चीजों को जो है अच्छे तरीके से आप सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों जो सामाजिक सुरक्षा जो है प्रदान करता है आर्टिकल 41, सामाजिक यानी कि सोशल सिक्योरिटी क्यों जो है ये सोशल सिक्योरिटी से जो है संबंधित है। आप जब इस अनुच्छेद को जो है पढ़ेंगे तो खुद ही आप समझ जाएंगे कुछ दशाओं में काम, यहां देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ दशाओं में काम शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ठीक है। यहाँ राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। तो राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, ध्यान रखिएगा यहां कह रहा है राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य यानी कि राज्य की जो सामर्थ्य होगी और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने यानी कि रोजगार पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी यानी कि बेकारी यहां किससे जो है संबंधित हो जाएगा अगर इसका जो है इंग्लिश जो है पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये जो पोल्टी का हम लेक्चर ये बना रहे हैं ना ये जो है मैं बेयर एक्ट के अनुसार जो है चल रहा हूं दोस्तों। अगर आपने बेयर एक्ट को जो है पढ़ना जो है सीख लिया दोस्तों तो पोल्टी में जो है दिक्कतें जो है नहीं आएंगी, उसके बाद आप चाहे जो किताब पढ़िए लेकिन बेयर एक्ट, ठीक है, जो इंग्लिश और हिंदी में होता है वो जो है आप बुक को जो है खरीदिए और इसके जो है जहां पे देखिए हिंदी
हिंदी ट्रांसलेशन बाद में किया गया है, पहले जो है मूल रूप से जो इंग्लिश में है उसी का जो है हिंदी ट्रांसलेट किया गया, तो कई बार हिंदी में जो है क्लिष्टता आ सकती है। पर ये देखते हैं यहां बेकारी, ठीक है, तो यहां देखिए राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां अनएम्प्लॉयमेंट को जो है किससे जोड़ा जाता है, बेरोजगारी से जोड़ा जाता है दोस्तों। तो यहां बेकारी, बुढ़ापा, ठीक है, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभाव उपबंध करेगा, ठीक है, प्रभाव प्रभावी उपबंध करेगा ये जो है, ठीक है, प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। यहां देखिएगा यहां जो है कराने का है शब्द, करने का नहीं, ठीक है, कराने का प्रभावी उपबंध करेगा, कौन, राज्य। अब यहां से देखिए काम पाने का, यानी कि राज्य इस तरीके की जो है व्यवस्था करेगा कि लोग जो है रोजगार पा सके, शिक्षा पा सके, बेरोजगारी जो है भत्ता पा सके, अगर जो है राज्य के पास आर्थिक स्थितियां सही रही तो। बुढ़ापा, बुढ़ापे में जो है इनको जो है लोक सहायता, आप देखते हैं बुढ़ापे में जो है पेंशन की जो है व्यवस्था, ठीक है, क्या चीज, पेंशन, तो पेंशन का जो है व्यवस्था राज्य करता है, ठीक है। निःशक्तता था अन्य अनहर अभाव की दशाओं में लोक सहायता, लोक सहायता पाने का मतलब देखिए ये सोशल सिक्योरिटी से मैंने कहा कि ये आर्टिकल संबंधित है। तो अब दोस्तों ये आर्टिकल जो है आप इसमें जो है कई चीजें जो है देखा, ठीक है, बीमारी में भी आप देखते हैं स्वास्थ्य कार्ड जो है जारी किया जाता है, तो स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा जो है क्या मिलता है इनको, जो है स्वास्थ्य संबंधित लाभ मिलता है, यानी कि कुछ जो है पैसे का जो है प्रावधान इसमें जो है किया जाता है दोस्तों। आइए दोस्तों आर्टिकल नंबर 42 देखते हैं, ये भी जो है सामाजिक सुरक्षा से ही जो है संबंधित है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का गोबंध, यहां भी जो है सहायता जो है शब्द जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रोविजंस फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। तो प्रसूति सहायता, राज्य काम की न्याय संगत, ठीक है, और मानवोचित दशाओं, यानी कि जहां कार्य करना है वहां जो है मानव के लिए उचित दशाएं हैं कि नहीं है, उनके जो है कार्य करने योग्य वहां का इन्वायरमेंट है कि नहीं है, ठीक है, सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और इसी तरीके का जो है हम आपको जो है लेक्चर देते रहेंगे, और आप इनको जो है खुद सोचिएगा इन चीजों को, जो चीज हम यहां बता रहे हैं इनको जो है आप 100 वर्ड्स में, 150 शब्दों में, 50 शब्दों में, इन शब्दों में इनको जो है लिखने की कोशिश कीजिए दोस्तों, तभी आप, ठीक है, राइटिंग स्किल आपको जो है सुधारना है, ठीक है, तो राइटिंग स्किल सुधारिए और इन चीजों को जो है आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण ये जो है मैंने कहा था कि डीपीएसपी कल्याणकारी जो है ये डीपीएसपी राज्य के लिए जो कल्याणकारी नीतियां बनती है उनमें जो है सहायक होता है, जब बनाई जाती है तो इन अनुच्छेदों को जो है जरूर देखा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।